गाइस, क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जहां लगभग हर घर से एक व्यक्ति आईएएस या आईपीएस है। और क्या आपको पता है एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? ऐसे ही और गजब के फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहें। आइए जानते हैं। नंबर वन गाइस, एक नॉर्मल एलिफेंट का वजन लगभग 4000 से 6000 किलोग्राम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा हाथी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और वजनदार हाथी है? गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेंजेनिया में ही एक ऐसा एलिफेंट है जिसका वजन लगभग 8000 किलोग्राम है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एलिफेंट एक नॉर्मल एलिफेंट से वेट और साइज में लगभग डबल है। नंबर टू, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कंपनी में से एक LG की फुल फॉर्म लाइफ्स गुड है, लेकिन ये गलत है। गाइस, LG की एक्चुअल में फुल फॉर्म लकी गोल्ड स्टार है। नंबर थ्री, एम्बुलेंस गाड़ियों को तो सभी जानते हैं, सभी एम्बुलेंस गाड़ियों की पहचान उस पर लगी लाइट और सायरन बजने से हो जाती है। लेकिन एम्बुलेंस की खास पहचान किसी गाड़ी पर लिखी एम्बुलेंस शब्द से है। लेकिन आपने कभी सोचा है गाड़ियों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? गाइस, एम्बुलेंस गाड़ियों में उल्टा एम्बुलेंस शब्द एम्बुलेंस से आगे चल रहे वाहन के लिए लिखा जाता है, क्योंकि जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर लगे शीशे में पीछे चल रही गाड़ियों को देखता है तो उस गाड़ी पर लिखे सभी शब्द उल्टे दिखाई देते हैं। लेकिन एम्बुलेंस पर पहले से ही एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है, जिससे आगे चल रहे वाहन को एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। नंबर फोर गाइस, आपने काफी बड़े बड़े ब्रिजेस देखे होंगे या फिर बड़े बड़े ब्रिजेस के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे ब्रिजेस पानी में 40 से 50 किलोमीटर लंबे बने होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज की लंबाई कितनी है? गाइस, चाइना में मौजूद डेनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज धरती का सबसे बड़ा ब्रिज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज की लंबाई 164.8 किलोमीटर है और ये ऑफिशियली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिज है। नंबर फाइव गाइस, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जिसने अभी तक देश को कई IAS या IPS दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव माधोपट्टी की। गाइस, इस गांव में लगभग 75 घर हैं, जिसमें से लगभग 47 IAS या IPS हैं। इसलिए इस गांव को अफसरों वाला गांव भी कहा जाता है। यही नहीं, इस गांव के कई लोग इसरो, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थानों में अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।